सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी से बदल रहा देश अब बरसों पुराने सपनों को भी साकार कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये तय किया कि बीमारी लाचारी नहीं बनेगी, एक स्वस्थ जिंदगी पर सभी का अधिकार है, और इसे सुनिश्चित किया गया 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करके। अगर दुर्भाग्य से आपके जीवन में बीमारी का दुष्चक्र आया तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होंगी। योजना ने 4.5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ से अधिक निशुल्क उपचार प्रदान कर करोड़ों देशवासियों को नई जिंदगी दी और साथ ही साथ उनके परिवारों को आर्थिक संकट से बचाया। इन उपचारों पर सरकार ने 63,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है, जिससे गरीबों के 1,00,000 करोड़ की बचत हुई है। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अपना मिशन बनाया है। हमारा संकल्प है कोई गरीब धन के अभाव में बिना इलाज के नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामय के तहत 1.8 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई है। राज्य में अब तक 3.57 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए और 27 लाख से अधिक निशुल्क इलाज किए गए, जिन पर सरकार ने 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया। आयुष्मान भारत के तहत मेरा इलाज हुआ और मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं मोदी जी और शिवराज मामा जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर शांत ना होता मोदी जी का तो हम इलाज भी ना करते, कोटि कोटि। योजना का लाभ अंतिम जन तक पहुंचाने हेतु देश भर में आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाया जा रहा, जिसके तहत घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत देश में पिछले 2 वर्षों में 14 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। लाभार्थियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने एवं इसके लाभ के बारे में जानकारी देने के लिए आयुष्मान ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लाभार्थियों की सूची मोबाइल पर आसानी से देखी जा सकती है। आज देश को आयुष्मान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही 3.5 करोड़ लाभार्थियों को SMS के माध्यम से डिजिटल कार्ड भी पहुंचाए जा रहे हैं। PM जय, अब गरीबों की जय बनी।